continue with the same topic beta, straight line. उसके हमने फॉर्मूले सारे कर लिए थे. ओके, तो आज अब हम क्या करेंगे उनका बेटा, क्वेश्चंस करेंगे. तो लेट अस डू दैट. पे अटेंशन हियर ऑल ऑफ यू. स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. हां जी बेटा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन. यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन. अब आप सॉल्व करोगे. आज मैं कोई हिंट नहीं दूंगी, कुछ नहीं दूंगी. आप में से ही कोई मुझे बताएगा, चाहे जितनी मर्जी देर लगे क्वेश्चन को. ओके, इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose intercept on the axis are thrice as long as made by 2x plus 11y equal to 6 is. ऑप्शंस दी हुई है मुझे, 6x प्लस 33y इक्वल टू 6, बी 2x प्लस 11y इक्वल टू 18, एंड सी ऑप्शन मेरे पास जो है 2x प्लस 11y इक्वल टू 2. अब बेटा क्या करेंगे, अगर उसका इंटरसेप्ट थ्राइस है तो दैट मींस देखना कांस्टेंट टर्म ही चेंज होगी सिर्फ 100%. क्यों, आप खुद सोचिए. अगर मेरे पास एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1 है, मैं कह रही हूं इसका इंटरसेप्ट 3 टाइम्स हो गए, यानी ए की जगह क्या लग गया 3 है, बी की जगह क्या लग गया 3 बी. मैं ये जो 3 है, मैं यहां से कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाऊं, यानी सिर्फ किसने चेंज होना है, कांस्टेंट टर्म. तो मैं सीधा ही देखू कांस्टेंट टर्म कहां थ्राइस हो रही है, बी ऑप्शन में देखो, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा कांस्टेंट थ्राइस. ये शॉर्टकट बताया, नहीं तो एक मेथड क्या था, पहले आप इस इक्वेशन के इंटरसेप्ट निकालते, है ना. अगर मैं इंटरसेप्ट निकालू तो मेरे पास x 2x by 6 11y by 6 equal to 1, तो y x by 3 plus y by 6 by 11 equals to 1. तो ये a हो गया, ये b हो गया, इसका 3 times करना था ना, तो अपने आप x over 9 y over 18 by 11 equals to 1. अब 11 ऊपर ले जाऊं, एलसीएम ले लूं 18, और 18 इधर चले जाना था, सारा यही बन जानी थी इक्वेशन. तो इतना लंबा करने की बजाय सिंपल सिर्फ क्या चेंज करो, कांस्टेंट टर्म, बाकी सारी सेम रहेगी. ओके बेटा, जितने कहा गया, अगर थ्राइस का है 3 टाइम्स कर दो, ट्वाइस का है 2 टाइम्स कर दो, हाफ का है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर. बात समझ आ गई बेटा सबको, क्लियर. चलो आगे. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है. स्लोप ऑफ अ लाइन इज नॉट डिफाइंड. स्लोप ऑफ अ लाइन इज नॉट डिफाइंड व्हेन. Slope of a line is not defined when the line is number first parallel to x-axis, number second parallel to y-axis, number third मेरे पास हो गए parallel to
लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो डी पैरेलल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो क्या होगा? हाँ जी बी ऑप्शन। हाँ जी कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बेटा, बी ऑप्शन इज 100% करेक्ट, क्योंकि स्लोप ऑफ ए लाइन कब डिफाइन नहीं होती है, मतलब टेन 90 हो जाए, थीटा 90 मतलब दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, 100% बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके गुड समृद्धि एंड रिद्धि। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास है नेक्स्ट इज द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन, द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन फ्रॉम y एक्सिस इज ट्वाइस दैट फ्रॉम x एक्सिस एंड द लाइन passes through जो है द पॉइंट 1,2। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ऑप्शन दी हुई है 2x plus y plus 4 equal to 0, b 2x plus y equal to 4, c 2x minus y equal to 4, d 2x minus y plus 4 equal to 0। अब देखिए जरा ध्यान से। हाँ जी कौन बताएगा? जस्ट थिंक ओवर इट, ट्राई टू सॉल्व इट बेटा, दो तीन दिन पेपर्स को रह गए हैं, जस्ट यूज योर माइंड टू सॉल्व इट, हरी अप, मैंने कुछ नहीं बताना है आज, स्टार्ट कीजिए, कुछ सोचिए। अर्शदी डू इट बेटा। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट रेज योर हैंड हु इज एबल टू टेल मी How to solve this? The intercept cut off by a line from the y-axis. कैसे start करेंगे? Any hint from your side? कौन सी triangle की कौन सी line की जो है form use करेंगे? हाँ जी आशुतोष। मैम intercept form। Yes, very good. इंटरसेप्ट फॉर्म आशुतोष, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है दिव्यांशी? एक सेकेंड दिव्यांशी। यस मैम। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है मेरा बेटा? मैम एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। अब मुझे दिया क्या हुआ है? द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन। यस काव्या बताइए कैसे करेंगे? यस काव्या बेटा। मैम इसका बी ऑप्शन आंसर है। कैसे आया बेटा? मैम हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले हम ए लेट द लाइन विद दैट मेक इंटरसेप्ट बी ए ऑन एक्स एक्सिस, फिर उसने ट्वाइस का है तो हम 2a on y axis ले लेंगे, उससे इक्वेशन बना लेंगे x over a plus y over 2a equals to 1, फिर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,2 और x y की जगह पे वो पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड काव्या, वेरी गुड बेटा, जो है यहाँ पर बिल्कुल काव्या ने 100% करेक्ट बताया, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म ली, फिर क्योंकि उसने कहा है द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ वाई एक्सिस इज ट्वाइस दैट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी बी की वैल्यू क्या दी है 2a। ओके तो मैंने बी की जगह 2a लिख दिया। अब उन्होंने कहा है कि पॉइंट 1,2 पास कर रहा है, क्योंकि a मैंने अपनी तरफ से लिया है, उसको खत्म करना है, तो मैंने पास करवाया और यहां पर ये वैल्यू आई। अब इसको सॉल्व करते हैं,
मेरे पास 2a LCM 1 plus 2, तो दैट मीन्स 3 by 2a 1, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई जो है 3 by 2। हाँ जी कहाँ पर? ओके यस यस यस, कहीं गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। हाँ जी 2a 1 plus 1, मैंने ठीक ही लिया था बेटा, ए ए यहाँ 2 आ जाना था। हाँ ओके 2a मैंने वो इधर लिख दिया होगा, तो यहाँ पर बेटा 1 आ गया ना। देखो a कटा 2 2, और ये प्लस लगाया, फिर ये मेरे पास जो है 2a 2a कैंसल 1, ठीक तो लिखा गया। हाँ जी okay? 2a के ऊपर कहाँ? यहाँ पे 2 आएगा। मैंने मैम एक ही, हाँ 0.1 ठीक तो था, क्या कर रहा है मैम फिर? ओके 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 लेट अस सी। हाँ जी 2a नहीं, a a 2 और 2a, यहाँ 2, अब यहाँ आएगा 4। हाँ जी कोई बात नहीं, गड़बड़ी हो गई आज कैलकुलेशंस में, कोई बात, एक ही वैल्यू 2 चेक कर लीजिए, ठीक है जी। कैलकुलेशंस देख लिया करो, आई डैम बॉदर अबाउट द कैलकुलेशंस, ठीक है। चलिए आपका ऐसे कैसे हो सकता है बाबू, चलो जी। अल्टीमेट एम होता है मेरा सिर्फ प्लस टू में आके बेटा, प्लस वन और प्लस टू में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देनी, वो कैलकुलेशन गलती जो आपने करनी है वो करनी करनी है, ठीक है ना? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तुक्का नहीं लगेगा, बहुत सारे सिमिलर आंसर्स होते हैं, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू, ठीक है। चलो अब बस 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 बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे पास। अ पॉइंट मूव्स सच दैट, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,0 इज हाफ दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इज इक्वल टू 16। द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ द पॉइंट इज a part 3x square plus 4y square equals to 12, 192 beta, b part 4x square plus 3y square equal to 192, c part x square plus y square equal to 192। मैं आपको सबसे पहले लोकस का मीनिंग फिर क्लियर कर दूं। जैसे अगर आपको याद हो हम सर्कल की ना डेफिनेशन अगर आपको समझाते हैं ना छोटी क्लासेस में, तो हम कहते हैं इट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट जो है इज ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब कि अगर एक पॉइंट है, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट कौन सा? सेंटर, दैट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट और सेम। तो ये लोकस जो कंडीशन सेटिस्फाई कर, आंसर जो है वो एक्स वाई में ही आता। जब भी हम बात करते हैं किसी पॉइंट की, किसी भी चीज की, मैं बात लोकस की कर रही हूं, तो 100% क्या होगा आंसर? एक्स वाई में ही होगा। अब उसने कहा एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सच दैट
इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, एक पॉइंट है मेरे पास, नहीं बेटा वो सर्कमफ्रेंस वाला पॉइंट होते हैं, वो ही मूव करता है ना, सेंटर तो मूव ही नहीं करता, वो तो फिक्स रहता है, तो आउटर बाउंड्री पे ही होता है ना वो, ठीक है जी। अब उसने कहा एक पॉइंट है सच दैट उट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 4.0 पे इज हाफ दैट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, मतलब इसका जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से वो किसके इक्वल रहता है, हाफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, उसका लोकस ले, यानी अल्टीमेटली दोनों डिस्टेंस को क्या करना है, इक्वेट करना है, कीजिए और देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन आती है, आंसर एक्स वाई में ही आएगा जब आप करो, ट्राई इट, हरी अप, लाइन इट इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, भूल गए, और लिख भी दिया लाइन एक्स इज इक्वल टू 16 मींस इट इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी दो पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, वो हाफ है, दो पॉइंट्स में डिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे, देखिए वाई या पहले एक्स ले लें जैसे मर्जी, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस आ गया इज हाफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू अ लाइन, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे लेते हैं, मॉड लेते हैं है ना, वो पॉइंट पुट करते हैं, मेरे पास हो गए एक्स इज इक्वल टू 16 है यानी एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स की जगह एक्स ही रहना, वाई है ही नहीं तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 16 और अंडर रूट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस 0, अब इसको सॉल्व करना है, जब मैं सॉल्व करूंगी स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, आई एम रबिंग दिस, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x वाई स्क्वायर इक्वल टू, मेरे पास जो है एक्स माइनस 16 का होल स्क्वायर, नीचे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है और ये 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो मेरे पास ये 4 इधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब ए स्क्वायर 256 माइनस 32x सॉल्व करो, हाँ जी 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस 32x और ये 32x कट ही जाना है, छोड़ दिया मैंने, ठीक है जी। उसके बाद 64 प्लस 4y स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म इधर आ गई, काम खत्म, सॉल्व कर लो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, हाँ जी 64 माइनस करो 291 माइनस 192, कौन सी ऑप्शन बन रही है, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 192, ओके जी, क्लियर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बात पता चला, खुद देखो लोकस था तो आंसर किस में आया, एक्स वाई में आया कि नहीं आया, क्योंकि जिस पॉइंट का लोकस ले दे ना, अच्छा कई बच्चे ऐसे भी करते थे पहले, पहले इसको अल्फा बीटा ले लिया, निकाल लिया सारा आंसर किस में आ गया, अल्फा बीटा में, बाद में लोकस निकालना है तो वो कहते हैं कि चेंज अल्फा टू एक्स एंड बीटा टू वाई, ऐसे हम करवाते थे ना, तो बात वही है, आपको याद होगा हमारी स्ट्रेट लाइन में भी मिसलेनियस से पहले एक क्वेश्चन था, हमने एच कॉमा के से किया था, फिर एंड में कहा था रिप्लेस एच बाय एक्स एंड के बाय वाई, है ना, तो पहले एक्स वाई ले लो, टेंशन ही ना हो कोई, ओके क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो एक पॉइंट को कांस्टेंट मान लेते हैं, वो उनको ये लगता है कि कांस्टेंट मानने से आपको लगेगा कि दिस इज द फिक्स पॉइंट, अगर आप पहले एक्स वाई ले लेते हो तो उनको लगता है वेरिएबल पॉइंट लेके चल रहे, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, दैट्स व्हाई दे टू, पर अब तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है ना,
तो हमें जल्दी से जल्दी करना। ओके क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओ एम आर शीट ही मिलेगी आपको? नो, आपको पेपर के साथ एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। यू कैन डू द रफ वर्क ऑन द क्वेश्चन पेपर और द। चलिए बेटा बस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हूज इक्वेशंस आर, या ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर। हमें सर्कम सेंटर बेटा ढूंढना है। मेरे पास जो है सर्कम सेंटर, ऑप्शंस दी हुई है 0 0, बी ए बाय टू, बी बाय टू, सी ए बी एंड डी नॉट। हाँ जी, सर्कम सेंटर का हमने फॉर्मूला, मैंने आगे भी आप लोगों को बताया था कि मेरे पास सर्कम सेंटर का सीधा फॉर्मूला होता है, पर यहां वो भी लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। कारण ये एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने ड्रॉ किया। हाँ जी, कौन सा? ए ऑप्शन? नो, नॉट एट ऑल बेटा। लेट मी चेक इट अगेन। ठीक है, पहले हम ड्रॉ करते हैं, देन वी कम टू नो। हाँ जी, देखिए बेटा, प्लीज लिसन इट केयरफुली। क्लियर कट है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, है ना? जो राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है ना, अब यहां याद रखना, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। किया हुआ ये ना? नहीं किया तो अब याद कर लो कि जो भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है, वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट मुझे पता है ए कॉमा जीरो है, ये कॉमा पता है मुझे जीरो कॉमा बी है, तो मैं अगर इसका मिड पॉइंट ड्रॉ करूं, सर्कम सेंटर का मतलब एक ऐसा सर्कल पास कराऊं, ये देखो जो आउटर में है, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, उससे तो सर्कल ही पास कर रहा है। यस, इट इज ए बाय टू बी बाय टू। ऐसे पॉइंट्स को अपने बुक पे लिखा करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पर क्या मतलब, लाइक वो ये होता है कि यहां से अगर ट्रायंगल का इक्वी डिस्टेंस देखना हो तो ये सारे इक्वल होते हैं, ये कॉन्सेप्ट किया हुआ हमने। वो तो मीडियन होता है, वो मीडियन होता है, ऐसा पॉइंट जो यहां पर सारे मीडियन मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास हो गए, ये ट्रायंगल है, इसका मीडियन ये, इसका मीडियन ये, इसका मीडियन, दिस पॉइंट ऑलवेज डिवाइड ईच एंड एवरी मीडियन, तीन ही मीडियन होते हैं ना, तो ये 2 इधर ज्यादा है, इधर कम है, 2:1, ऊपर 2 नीचे 1, इधर 2 इधर 1। ओके, दोनों को किसको? हाँ जी ना, वो तो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, दैट इज 100 पर। अच्छा एक और बात, इक्विलेटर ट्रायंगल में मेरे पास मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम बन जाते हैं, ये चीजें याद रखें। कौन? ऐसे कैसे? मीडियन है, डिवाइड तो 2:1 में ही करना है।
बिल्कुल होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, क्योंकि वहां सेंट्रॉइड ये और ऑर्थो सेंटर वो सेम बन जाता है, तो वहां 2:1 में ही होगा ना, मीडियम तो करता है 2:1 में, इट मे बी एनी ट्रायंगल, ठीक है, आर एम एन क्लियर। चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट, बेटा मेरे पास हो गए, ये सबको क्लियर हो गया ना जो क्वेश्चन बताए हैं, जितने एमसीक्यू ज्यादा ट्राई करोगे आपको हर बार शॉर्टकट मिलेगा, एवरी टाइम यू लर्न अ शॉर्टकट, तो कोई ना कोई उसके नोट्स बनाई जाइए, ताकि पेपर वाले दिन आपको सिर्फ नोट्स और फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, सिर्फ नोट्स एंड फॉर्मूलेस, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 0:0 एंड एट राइट एंगल टू द लाइन, मेरे पास हो गए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज, हाँ जी फर्स्ट पार्ट एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, बी पार्ट एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, सी पार्ट मेरे पास जो है दैट इज ए बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, डी पार्ट बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप माइनस वन, उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था आप लोगों को, यस कोफिशिएंट से रिलेटेड मैंने बताया था कि क्या होता है, मेरे पास इंटरचेंज हो जाते 100% होते हैं ना विद नेगेटिव साइन, एक पे नेगेटिव साइन आ जाता है, तो मैं बताती हूँ, हाँ जी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी कांस्टेंट, कांस्टेंट चेंज हो जाता है, अब ये कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये लाइन किससे पास हो रही है 0,0 पास करवाओ, तो मेरे पास डी कितना आ गया 0, तो दैट मींस लाइन क्या बन गई बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, वो इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने उस दिन आपको दो तरह की लाइंस बताई थी, एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम ही आता है, एनी लाइन, ये पैरेलल वाली थी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, क्या बोला था कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, बीच में माइनस साइन चेंज और कांस्टेंट तो चेंज नहीं, देखो इससे कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन, बात समझ आई बेटा सबको, क्लियर टू एवरीवन, ये उस दिन भी मैंने बात बताई थी, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, चलिए डू वन मोर क्वेश्चन, द रेशियो इन विच the ratio in which the line 3x plus 4y equal to minus 2 divides the distance between the lines 3x plus 4y plus 5 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0 is, हाँ जी this is your question for homework, as the time is going to over, चलिए बेटा
Okay. Hope you will try this question and ask me tomorrow. We will do again the straight line. Maximum questions we can do from the straight line, ताकि आपका डर यहाँ से हट जाए. Till then, goodbye and.